हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सूरत स्प्लिट 1907 को। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ वो हुआ था सूरत में। इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच लड़ाई झगड़े हो गए और अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो गई। सूरत स्प्लिट के कनेक्शंस जुड़े हुए हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट से, जिसे हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं, और इसके अलावा मिंटो एंड मॉर्ली रिफॉर्म्स के साथ। वो कनेक्शन क्या है ये हम समझेंगे, और साथ ही ये भी समझेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स हैं कौन और इनके बीच में लड़ाई झगड़े क्यों हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स हैं कौन। बेसिकली कांग्रेस के अंदर दो तरह के लोग थे, और इनकी आइडियोलॉजी और काम करने के तरीके के बेस पर इन्हें एक्सट्रीमिस्ट या फिर मॉडरेट कहा जाता है। मॉडरेट्स चाहते थे ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कामकाज और पॉलिसी मेकिंग में इनकी हिस्सेदारी, ताकि देश के लोगों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उन्हें थोड़ा बेहतर किया जा सके। जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे सीधे सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्वराज, मतलब गवर्नमेंट देश के लोगों की ही होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स की नहीं। मॉडरेट्स के मेथड्स थे पेटिशन, प्रेयर्स, पब्लिक मीटिंग्स और पीसफुल प्रोटेस्ट, जबकि एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल मेथड्स पर बिलीव करते थे, प्रेयर्स और पेटिशन पर नहीं। मॉडरेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की फेयर पॉलिसी पर यकीन करते थे। उन्हें लगता था कि सारे फैक्ट्स और प्रूफ अगर दिखाए जाएं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस करके डिमांड्स मनवाई जा सकती हैं, जबकि एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके उनसे डिमांड मनवानी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि अगर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके सामने टिक ही नहीं सकती। इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी 1885 में। तब से लेकर 1905 तक कांग्रेस में मॉडरेट्स का दबदबा था। वैसे भी एक्सट्रीमिस्ट की संख्या वैसे ही काफ़ी कम थी, तो मॉडरेट्स जो भी चाहते थे वही होता था, और इसीलिए 1885 से 1905 को मॉडरेट फेज़ कहा जाता है। लेकिन 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, जिसके अगेंस्ट बंगाल में नहीं पूरे देश में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं हो रहा था। कहने का मतलब देश में नेशनल मूवमेंट उठकर खड़ा हो गया है, लेकिन देश की एकमात्र नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका नेतृत्व नहीं कर रही है। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं वो इसके लिए मॉडरेट्स को जिम्मेदार मानते थे, और इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आना चाहते थे। और इसका मेन रीज़न ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स लेकर आने वाली थी, जिसे लेकर मॉडरेट्स काफ़ी होपफुल थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे प्रोविंशियल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव्स में इंडियंस के लिए सीट्स बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा मॉडरेट्स को ये भी डर था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ देश में गुस्सा भड़का रही है तो मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि पूरा देश उनके साथ है, अगर कांग्रेस चाहे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड मनवा सकती है। तो एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली ये कह रहे थे कि अच्छे दिन वच्छे दिन कुछ नहीं आएंगे, यही सही समय है, मार दो हथौड़ा। लेकिन मॉडरेट्स उनका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनका टारगेट था मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स, और उन्हें लग रहा था कि भैया ये एक्सट्रीमिस्ट उनको प्रेशराइज कर स्वदेशी मूवमेंट में फंसा कर उनका बना बनाया प्लान चौपट कर देंगे। तो जब 1905 अक्टूबर में बंगाल का पार्टीशन हुआ, उसी साल दिसंबर में कांग्रेस सेशन वाराणसी में हुआ। इसके प्रेसिडेंट बने जीके गोखले। इस सेशन में डिसाइड किया गया कि कांग्रेस स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के साथ है। तो बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर मॉडरेट्स पर भारी पड़े, और देश में सिचुएशन भी ऐसी थी, अगर कांग्रेस एक चलते हुए मूवमेंट के साथ भी नहीं खड़ी हो पा रही है, नेतृत्व तो छोड़ो, तो लोगों का इन पर सब भरोसा बिल्कुल ही उठ जाएगा। तो मॉडरेट्स को इस प्रेशर के सामने झुकना पड़ा। इसके एक साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 सेशन कलकत्ता में हुआ। यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड ये थी कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में कांग्रेस देश को पैसिव रेजिस्टेंस का रास्ता दिखाए, मतलब लोगों को ये कहा जाए कि ब्रिटिश नौकरियां छोड़ दीजिए, ब्रिटिश लॉज को फॉलो करना बंद कर दो, उसका टैक्स देना बंद कर दो, या ब्रिटिश स्कूल्स में जाना बंद कर दो। तो इस तरह की चीज़ों का रास्ता कांग्रेस दिखाए लोगों को, और ये तभी हो सकता था कि जब 1906 कलकत्ता सेशन में प्रेसिडेंट कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर बने, जबकि मॉडरेट्स का मानना ये था कि अगर एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल में रखना है तो कोई मॉडरेट ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मानो एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हों, और यहाँ पे टकराव होने ही वाली थी कि बीच में आ जाते हैं इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादाभाई नेहरू जी। तो इन्होंने यहाँ पर आकर बीच बचाव किया और प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्ट की, और इस तरह एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच का टकराव जो है वो कुछ देर के लिए टल गया।
क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों इनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स पर भारी पड़े। उन्होंने दादाभाई नेहरूजी से डिक्लेयर करवा दिया कि भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब से जो गोल है वो है सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज। तो पहली बार ये वाला नारा कांग्रेस के मुंह से निकला कि अब से हमारा गोल भी स्वराज है। तो बेसिकली यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स पर भारी पड़े, लेकिन फिर भी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की जो खाई थी वो अब बढ़ती जा रही थी। अब अगला सेशन होने वाला था पुणे में, तो जीके गोखले ने लास्ट मोमेंट पर सेशन की लोकेशन चेंज करवा के सूरत करवा दिया। सूरत में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने पहले ही पहुंचकर 2-3 जनसभाएं कर दी। ऐसे माहौल में जब सेशन हुआ तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर से आमने सामने थे और इस बार प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट अपने लीडर लोकमान्य तिलक या फिर लाला लाजपत राय को, जबकि मॉडरेट्स प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे अपने लीडर राज बिहारी घोष को। और वोटिंग के बाद फाइनली मॉडरेट्स के राज बिहारी घोष 1907 सूरत सेशन के प्रेसिडेंट बने। सेशन के दौरान लाला लाजपत राय अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहते थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने उनको बोलने ही नहीं दिया। इस पर एक्सट्रीमिस्ट भड़क गए, तू मैं शुरू हो गई। इतने पता नहीं कहीं से किसी ने जूता निकाल के फेंक दिया। इसी बीच किसी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी पर भी जूता फेंका और दूसरे मॉडरेट लीडर जैसे फिरोज शाह मेहता पर भी। बस फिर तो यहाँ पर पूरा सीन ही गड़बड़ हो गया, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फाइनली पुलिस ने आकर मामला कंट्रोल में किया। इस सेशन के बाद मॉडरेट्स ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई और डिसाइड किया कि अब से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट नहीं माने जाएंगे। तो इस तरह एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1907 सूरत सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स स्प्लिट हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो जैसे इसी मौके की तलाश थी। 1907 सूरत सेशन के बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि कुछ लीडर्स जैसे बिपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष ने तो पॉलिटिकल करियर से संन्यास ले लिया। इसके अलावा लाला लाजपत राय जो हैं वो देश छोड़कर ब्रिटेन चले गए और वहाँ से फिर अमेरिका, और बाकी सब लीडर्स को भी जेल में भर दिया गया। जेल में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर भयंकर टॉर्चर किया। बाल गंगाधर तिलक को मैंडले जेल में 6 सालों के लिए रखा गया। तो अब कांग्रेस में बचे थे सिर्फ मॉडरेट्स। तो अब क्वेश्चन ये है, तो क्या वाकई अब मॉडरेट्स के अच्छे दिन आ चुके थे? जी नहीं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की स्प्लिट से सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि मॉडरेट्स ने ये बात कभी भी रियलाइज़ नहीं की थी कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं कांग्रेस की बातें इसलिए सुनते हैं क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट उनके साथ हैं। वो ये बात समझते थे कि अगर कांग्रेस की डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स पर हावी हो जाएंगे और कांग्रेस कुछ रेडिकल स्टेप्स ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट ने भी कभी ये रियलाइज़ नहीं किया था कि उन्हें जो पॉलिटिकल लिबर्टी मिली हुई है उनके एक्सट्रीमिस्ट तौर तरीके के बावजूद उसके पीछे मॉडरेट्स हैं। अब यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि जैसे ही उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकाला गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फुल फोर्स के साथ उन्हें सप्रेस कर दिया, सबके सब जेल में भर दिए गए। तो ये थी सूरत स्प्लिट 1907 की कंप्लीट डिटेल्स। बुक्स अवर चैनल पर हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स अवर।